चाहे इंसान ने आज साइंस में कितनी भी तरक्की कर ली है, मगर इस दुनिया में बहुत से ऐसे राज हैं जिन्हें इंसान आज तक सुलझा नहीं पाया है। ये राज आज भी इंसानों की सोच से परे हैं। जानेंगे आज इस वीडियो में दुनिया के 5 सबसे बड़े राजों के बारे में, जिसे कोई इंसानी सभ्यता हल नहीं कर पाई। दुनिया की 5 खतरनाक खौफनाक जगहों के बारे में, जो अपने आप में एक पहेली से कम नहीं है। टॉप 5 मिस्टीरियस प्लेसेस की लिस्ट में नंबर 5 पर है पोवेगलिया आइलैंड। इटली पोवेगलिया आइलैंड देखने में ही अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं है, यहाँ पर रूहें रहती हैं। इस आइलैंड ने आज तक 1,60,000 लोगों की जान ली है। इस आइलैंड पर जाने वाले ज्यादातर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, और जो जिंदा वापस लौट कर आए उन्होंने अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब किस्सों का जिक्र किया। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर बहुत साल पहले उन लोगों को लाया जाता था जिनका या तो इलाज नहीं हो पाता था, या फिर वो लोग होते थे जो काफी खतरनाक होते थे। इन लोगों को यहाँ लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इनकी बीमारी आम लोगों में ना फैल सके, मगर जब इन मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो उन्हें जिंदा चला दिया गया। तब से इस आइलैंड पर अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। वर्ष 1922 में जब इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, मगर कुछ सालों के बाद ही इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स, नर्सों और मरीजों के साथ यहाँ हमेशा कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं सामने आने लगी थीं जो सच में भयानक थीं। इसके बाद भी इटली के कई लोगों ने वहाँ घर लेने और अपने परिवार बसाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जो कोई भी रहा वो कुछ दिनों के बाद भाग निकला। इस आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए बहुत से लोग यहाँ रिसर्च के लिए गए, लेकिन उनमें से बहुत से लोग वापस नहीं आ सके। अब इटली की सरकार ने यहाँ पर आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। नंबर 4, ओवरटॉम ब्रिज। स्कॉटलैंड का ये ब्रिज भी दुनिया के अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इस ब्रिज को डॉग सुसाइड ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि इस ब्रिज से गुजरने वाले ज्यादातर कुत्ते इस ब्रिज से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 600 कुत्ते यहाँ से छलांग लगा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मर चुके हैं। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इन हादसों की बढ़ती तादाद को देखते हुए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है, जिसके ऊपर लिखा है, इस ब्रिज से गुजरते हुए अपने कुत्तों को संभाल कर रखें। यहाँ पर ऐसी कौन सी शैतानी ताकत है जो कुत्तों को सुसाइड करने पर मजबूर करती है? ये बात अभी तक एक पहेली बनी हुई है जिसका कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया है। नंबर 3, ब्राजील की स्वदेशी जनजातियाँ। अमेज़न के जंगलों में कई सदियों से स्वदेशी जनजातियों ने निवास किया है। यह हवाई तस्वीरें उन लोगों के अस्तित्व को साबित करती हैं, जो अभी भी बाहरी दुनिया से अछूते हैं। इस एक तिहाई जंगल में लगभग 1400 जनजातियां रहती हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं है, और जिनकी जीवन शैली कृषि के इर्द गिर्द घूमती है। शोधकर्ताओं ने वहां अतिरिक्त 8 गांवों की खोज की है, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि स्वदेशी लोगों की संयुक्त आबादी 2000 से ज्यादा हो सकती है। उनकी सुरक्षा और उनके जीवन के संरक्षण के लिए अधिकारियों ने लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर अमेज़न वर्षावन के क्षेत्र में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। नंबर 2, सांपों का घर। साओ पाउलो शहर से लगभग 90 मील दूरी पर स्नेक आइलैंड स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जो कि 4000 विषैले नागों से भरी हुई है, जिसे दुनिया के सबसे घातक द्वीपों में से एक कहा जाता है। ये गोल्डन लांसहेड का भी घर है, जो दुनिया के सबसे जहरीले वाइपर्स में से एक है। इसका जहर मानव मांस को पिघलाने में सक्षम है। इस सबको देखते हुए ब्राजील सरकार ने द्वीप में सभी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर 1, एरिया 51। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की रियासत नेवाडा में मौजूद एक वीरान इलाका, जिसे एरिया 51 और अमेरिकन एलियन रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा इलाका है जहां आम आदमी को देखते ही गोली मार दी जाती है, जिसका हर एक कोना पूरी तरह से सील है। अमेरिका ने इस इलाके को इतना डरावना क्यों बना रखा है? आखिर यहाँ पर किस चीज की रिसर्च की जाती है, और खुद अमेरिका ने इसे एलियंस का इलाका क्यों कहा है? ये सभी सवाल ऐसे हैं जिनका सही जवाब किसी के पास नहीं है। कहा जाता है अमेरिका ने एरिया 51 को यूएफओ के लिए रिसर्च बेस बना रखा है। यूएफओ यानी एलियंस और उनकी तकनीक पर रिसर्च। अगर ये बात सच है तो क्या सच में एलियंस होते हैं, या फिर ये कोई साजिश है? आम लोगों को इस एरिया से बहुत दूर रखने की कोशिश की जाती है। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये जगह बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी है। अमेरिका या फिर अन्य देश का कोई भी नागरिक हो, हर इंसान इसके बारे में आज जानता है। अमेरिका की एक पॉलिटिकल उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने एक बार वादा किया था कि अगर वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनी तो वो एरिया 51 में चल रहे गुप्त शोध को लोगों के सामने जरूर लाएंगी, मगर वो जीत ना सकी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, और आखिर एरिया 51 का ये राज ही रहा।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।